वेलकम टू टाइगर विद एसएएस। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीडब्ल्यूएससी की तरफ से जारी किए गए एक ऑफिशियल नोटिस के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिस है यूपीडब्ल्यूएससी मतलब उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की तरफ से। ये 5 जून 2023 को जारी किया गया है आवश्यक सूचना, और ये है आयोग के विज्ञापन संख्या 8/2022 सम्मिलित कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा, और ये आपका पेट 2021 से विज्ञापन आया था। तो उसका जो है ये सिलेबस जारी कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं आप लोग, इसमें सब साफ लिखा हुआ 21/11/2022 से 14/12/2022 तक आवेदन इसमें लिए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है उक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि विज्ञापन के पृष्ठ 10 में वर्णित परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम को संशोधित करते हुए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निम्नलिखित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम को अनुमोदन प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कनिष्ठ सहायक कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पदों चयन हेतु लिखित परीक्षा की संशोधन परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। तो ये लिखित परीक्षा जो है वो एक पाली की होगी, जिसमें 100 कुल संख्या जो प्रश्नों की होगी 100 होगी, और समयावधि 2 घंटे की होगी, ठीक है। और वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। लिखित परीक्षा है तो ऋणात्मक अंक निगेटिव मार्किंग दिए जाएंगे, जो प्रत्येक गलत उत्तर पर उस प्रश्न के पूर्णांक 1/4 मतलब 25%, ठीक है, अंक होंगे ये निगेटिव मार्किंग। इसके अलावा परीक्षा योजना की बात करें तो काफ़ी पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अब जो है इसमें एक तो कंप्यूटर का पार्ट देखने को मिलेगा और एक आपका यूपी स्पेशल, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रमांक दिए गए हैं, विषय दिए गए हैं। तो ये क्रमांक पहले पे हिंदी प्रज्ञान और लेखन योग्यता, प्रश्नों की संख्या 30 होगी, निर्धारित कुल अंक 30 होंगे। और दूसरा है सामान्य बुद्धि परीक्षण, ये 15 प्रश्न होंगे और 15 अंकों के, और सामान्य जानकारी 20 प्रश्न होंगे 20 अंकों के। तो यहाँ पे देखिए, ये कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन होंगे और 15 नंबर के होंगे, उत्तर प्रदेश संबंधित यूपी जीके का 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के, टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे, और समयावधि आपके 2 घंटे होंगे 120 मिनट, ठीक है। निगेटिव मार्किंग जो है आपकी 1/4 रहेगी मतलब 25%, ठीक है। और यहाँ पे पाठ्यक्रम जो है वो डिटेल में दिया गया है हिंदी प्रज्ञान और लेखन योग्यता के संबंध में, सामान्य बुद्धि परीक्षण के बारे में भी दिया गया है, और इसके अलावा सामान्य जानकारी और कंप्यूटर मतलब ये इन्होंने डिटेल में दे दिया है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को काफ़ी पहले ही जानकारी दे दी थी कि यूपी जीके और कंप्यूटर का पार्ट भेजा जो है वो जोड़ा जाएगा यूपीडब्ल्यूएससी के जो जूनियर असिस्टेंट का है उसमें। वीडियो अभी भी पड़ा हुआ मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। तो मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई थी बिल्कुल सही ऑथेंटिक साबित हुई। तो ऐसे लेटेस्ट न्यूज अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।